Hey, welcome back. आई एम ओ धर्मेंद्र फ्रॉम डी एस टू डॉक्टर मुखर्जी नर दिल्ली मेरे प्यारे बच्चे स्पोकन का एक सीरीज दे रहा हूं यहाँ पे सीरीज हमने कई बार स्टार्ट करा है आपके लिए लेकिन आपने उस चीज को फॉलो किया कि नहीं कि आप देखो हमने आज फिर से एक एडवांस सीरीज ताकि आप आराम से अंग्रेजी बोल सको हमने आपके लिए प्रयास किया एक सीरीज देने का और आज एक पहला सीरीज है ऐसे ही आप अगर लगे रहेंगे ना तो आपको बोलना सिखा दूंगा बहुत हो गया अब नहीं अब मैं मानने वाला नहीं हूं अब सिखा कर ही छोड़ूंगा अब आप बस मेरे साथ लग चलो चल चलो और देखते हैं कैसे अंग्रेजी बेहतर बोल पाते हो अब आप देखते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस प्लस वील फ्यूचर में कोई मजबूरी हो जैसे आप बोलते हो ना यार मुझे वहां जाना होगा मुझे अंग्रेजी पढ़ना पड़ेगा उसे खेलना होगा उसे आना होगा उसे जाना होगा उसे दौड़ना होगा उसे रोना पड़ेगा तो जो भी आप फ्यूचर में जो मजबूरी की बात करते हो फ्यूचर में कंपल्शन की बात करते हो तो हम विल हैव टू का प्रयोग करते हैं क्या प्रयोग करते हैं विल हैव टू का प्रयोग करते हैं तो विल हैव टू का मतलब होता है फ्यूचर में मजबूरी जो चीज़ फ्यूचर की मजबूरी हो जहाँ पे मजबूरी में काम करना पड़ता हो उसके लिए हम विल हैव टू का प्रयोग करते हैं फ्यूचर मजबूरी हिंदी से निकालना पड़ेगा या होगा तो पड़ेगा या होगा या, होगा या सेंस हो तो आप कर सकते हो अगर आप नेगेटिव बनाना चाहते हो तो सब्जेक्ट प्लस विल में नॉट लगा दो तो आप कर सकते हो वॉन्ट बाकी सब सेम रहेगा तो वॉन्ट कर दिया तो नेगेटिव हो गया वॉन्ट हैव टू बस में जो अब अंग्रेजी कैसे बोला जाए तुम्हें अंग्रेजी सीखना होगा तुम्हें अंग्रेजी सीखना होगा यू विल हैव टू लर्न इंग्लिश यू विल हैव टू लर्न इंग्लिश तुम्हें अंग्रेजी सीखना होगा मुझे सोचना पड़ेगा आई विल हैव टू थिंक मुझे सोचना पड़ेगा आई विल हैव टू थिंक तुम्हें अंग्रेजी बोलना होगा यू विल हैव टू स्पीक इंग्लिश है ना अब देखो यू विल हैव टू स्पीक इंग्लिश अब यहाँ पर देखो मुझे बाजार जाना पड़ेगा आई विल हैव टू गो टू मार्केट मुझे बाजार जाना पड़ेगा आई विल हैव टू गो टू मार्केट तुम्हें व्यायाम करना पड़ेगा यू विल हैव टू एक्सरसाइज यू विल हैव टू टेक एन एक्सरसाइज भी कह सकते हैं हम लोग अगला है तु, मुझे तुम्हारी डायरी देखनी पड़ेगी आई विल हैव टू चेक योर डायरी आई विल हैव टू चेक योर डायरी अब मेरे साथ एक बार दोहरा लो बोलो फटाफट तुम्हें अंग्रेजी सीखना हो बोलो फटाफट तुम्हें अंग्रेजी सीखना होगा यू विल हैव टू लर्न इंग्लिश मुझे सोचना पड़ेगा आई विल हैव टू थिंक तुम्हें अंग्रेजी बोलना होगा यू विल हैव टू स्पीक इंग्लिश मुझे बाजार जाना पड़ेगा आई विल हैव टू गो टू मार्केट तुम्हें व्यायाम करना पड़ेगा यू विल हैव टू टेक एन एक्सरसाइज या यू विल हैव टू एक्सरसाइज तुम्हें मुझे तुम्हारी डायरी देखनी पड़ेगी आई विल हैव टू चेक योर डायरी तो आपको करना यह है बच्चे कि ये सारे सेंटेंस को दस बार दोहराना है आई विल हैव टू गो टू मार्केट आई विल हैव टू कम हेयर I will have to read English. I will have to speak English. You will have to read English. You will have to go there. You will have to go to market. I will have to go to market. She will have to go to market. You know, he will have to go to market. They will have to come here. So, कुछ भी whatever comes your mind, have to, have to, have to बोलते रहना. You will have to. I will have to. He will have to. She will have to. They will have to. तो जिसके साथ भी will have to बोलोगे आपके लिए इंग्लिश बोलना बेहद आसान हो जाएगा. बस इसको दिमाग में फिट कर लेना. याद कर लो और बोलना शुरू करो. आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा. और दिखाता हूँ. अगला वीडियो अब यहाँ बात करें हम देखो वॉन्ट का अगर मैं वॉन्ट की बात करूँ जैसे तुम्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ना पड़ेगा यू वॉन्ट हैव टू लर्न इंग्लिश तुम्हें सोचना नहीं पड़ेगा यू वॉन्ट हैव टू थिंक तुम्हें अंग्रेजी बोलना नहीं होगा यू वॉन्ट हैव टू स्पीक तो सब जो यहाँ पे विल लगा है ना वहां पर आप वॉन्ट कर सकते हो मुझे बाजार जाना नहीं पड़ेगा आई वॉन्ट हैव टू गो टू मार्केट यानी जहां पे विल है वहाँ पे आप वॉन्ट कर दो और यहाँ पे मुझे बाजार जाना नहीं पड़ेगा सब में नहीं 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 जोड़ दो तो सब में नहीं नहीं जोड़ दोगे तो यहाँ पे बस वट कर दिया सेम सेंस हो जाएगा तुम्हें अंग्रेजी सीखना नहीं होगा यू वॉन्ट हैव टू लर्न इंग्लिश मुझे सोचना नहीं पड़ेगा आई वॉन्ट हैव टू थिंक तुम्हें अंग्रेजी बोलना नहीं होगा यू वॉन्ट हैव टू स्पीक इंग्लिश मुझे बाजार जाना नहीं पड़ेगा आई वोंट हैव टू गो टू मार्केट मुझे व्यायाम करना नहीं होगा आई वॉन्ट हैव टू एक्सरसाइज तुम्हें मुझे तुम्हारी डायरी नहीं देखनी पड़ेगी आई वोंट हैव टू वॉच योर डायरी आई वोंट हैव टू सी योर डायरी आई वोंट हैव टू चेक योर डायरी इस तरह सब देखा तो सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस है प्लस थ्री प्लस सब्जेक्ट हमने क्या कहा मैं आपको बेसिकली पढ़ा नहीं रहा मैं आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ मैं चाह रहा हूँ कि आपके मुंह से निकलवा दूँ अंग्रेजी आप क्यों नहीं बोलोगे हाथ डाल के शब्द खींच लूँ और बस बोलना शुरू करो किसी भी चीज़ को आप एक एक चीज़ को बोलना शुरू करो मेरे साथ अब हमने पहला लिया था विल हैव टू अब हमने शुड हैव लिया है एक एक स्टार्ट किया हमें पार्ट वन है पार्ट टू पार्ट थ्री पार्ट फोर ऐसे हजारों पार्ट दिए जाएंगे बस आप एक एक कर पढ़ने का प्रयास अब इंटरेस्ट लगाओ अब यहाँ पर ने कहा सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस वी थ्री प्लस अदर वर्ड तो शुड हैव प्लस वी थ्री प्लस अदर वर्ड अब शुड हैव का मतलब क्या हुआ तो यहां पे सेंस होगा चाहिए था अगर चाहिए था नॉर्मल अर्थ में बोलना हो ध्यान रखना बच्चे ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है नॉर्मल अर्थ में चाहिए था जैसे किसी को एडवाइस दे रहे हो किसी को आप सलाह के लिए बोल रहे हो चाहिए था सलाह एडवाइस कर रहे हो कि तुम्हें वहाँ जाना चाहिए था तुम्हें अपने घर जाना चाहिए था तुम्हें घर नहीं जाना चाहिए था क्या तुम्हें घर जाना चाहिए था तो पॉजिटिव भी नेगेटिव भी इंट्रोगेटिव भी तो जो आप चाहो पॉजिटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव जो चाहो सब बना सकते हो जैसे तुम्हें अंग्रेजी बोलना चाहिए था तो तुम्हें अंग्रेजी बोलना चाहिए था यू शुड हैव स्पोकन इंग्लिश यू शुड हैव स्पोकन इंग्लिश जल्दी बोल देना है तुम्हें अंग्रेजी बोलना चाहिए था यू शुड हैव स्पोकन इंग्लिश तुम्हें अंग्रेजी नहीं बोलना चाहिए था हमने नहीं लगा दिया तो नहीं लगा दिया तो आप यहीं पर शुडंट कर दोगे तो नेगेटिव हो जाएगा यू शुडंट हैव टू यू शुडंट हैव स्पोकन इंग्लिश चूंकि हैव टू आ जाएगा तो कंपल्सन हो जाएगा वो अलग कॉन्सेप्ट है तो बोला तुम्हें अंग्रेजी नहीं बोलना चाहिए था यू शुडंट हैव स्पोकन इंग्लिश क्या तुम्हें अंग्रेजी बोलना चाहिए था तो क्या आप करोगे तो क्या के लिए शूट कर देंगे पहले आपको पता ही होगा सर चीज शूट पहले कर देते हो तो इन्हें क्या हो जाएगा क्या शूट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस प्लस अदर वर्ड तो क्या तुम्हें ये बोलना चाहिए था तो शूट यू हैव देखो शूट यू हैव स्पोकन इंग्लिश क्या तुम्हें ये बोलना चाहिए था तो आप देख लो एक सेंटेंस लो और छह तरह से आप बोलना सीख जाओ जैसे आप बोलते हैं बेटा आई गो देयर आई डोंट गो देयर डू आई गो देयर डोंट आई गो देयर वाई डू आई गो देयर वाई डोंट आई गो देयर तो एक सेंटेंस का छह बनाना आएगा तब ना बोल पाएंगे हम लोग तो उस तरह से हम लोग आई शुड गो आई शुडंट गो शुड आई गो शुडंट आई बोलना चाहिए शुड यू स्पीक इंग्लिश क्या तुम्हें नहीं बोलना चाहिए you यू स्पीक इंग्लिश तुम्हें अंग्रेजी कब बोलना चाहिए वेन शुड यू स्पीक इंग्लिश तुम्हें अंग्रेजी कब नहीं बोलना चाहिए वेन स्टूडेंट यू स्पीकिंग इंग्लिश देख लो आप

तुम्हें उसके मुंह पर थप्पड़ मारना चाहिए था यू शुड हैव स्लैप्ड हिम तो स्लैप्ड का मतलब होता है थप्पड़ मारना यू शुड हैव स्लैप्ड हिम तुम्हें उसे थप्पड़ मारना चाहिए था तुम्हें मुझे जानकारी देनी चाहिए थी तुम्हें मुझे जानकारी देनी चाहिए थी यू शुड हैव इन्फॉर्म्ड मी मैं थोड़ा सेंटेंस बड़े बढ़ दे रहा हूँ ताकि आप बोल पाओ यू शुड हैव इनफॉर्म्ड मी है ना मुझे तुम्हें पढ़ाना चाहिए था आई शुड हैव टॉट यू आई शुड हैव टॉट यू पढ़ाना का टीच टिच क्या थ्री

तुम्हें वहां नहीं जांच था यू शुडंट हैव गॉन देयर तुम्हें उसके मुंह पर थप्पड़ मारना चाहिए था यू शुड हैव स्लैप्ड हिम है ना तुम्हें मुझे जानकारी देनी चाहिए थी यू शुड हैव इंफॉर्म्ड मी मुझे तुम्हें पढ़ना चाहिए था आई शुड हैव टॉट यू क्या तुम्हें वहां जांच था शुड यू हैव गॉन देयर तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था यू शुड हैव मी अब मैं आपसे ऐसे ही कुछ सेंटेंस पूछ रहा हूं आप इसको फराफट जवाब देना बोलो तुम्हें वहां जाना चाहिए जल्दी बोलो तुम्हें वहां जाना चाहिए जल्दी से यू शुड तुम्हें जाना चाहिए था यू शुड देयर तुम्हें आना चाहिए था यू शुड है राइट right. सिंपल बोलना है आई शुड गोदर तो शुड याद करना आई शुड गोदेर यू शुड गोदेर ही शुड गोदर है ना लता शुड गोदेर प्रिया शूट गोदेर तो आप स्ट्रक्चर को एक लेना है और एक लेकर के दस बनाना है मेरे साथ फिर बोलो तुम्हें पढ़ना चाहिए का छह बनाना है जल्दी से तुम्हें पढ़ना चाहिए यू शुड रिट तुम्हें नहीं पढ़ना चाहिए यू शूडेंट रीड तुम्हें पढ़ना चाहिए यू शुड इट यू शुडेंट इट शुड यू रीड शुडेंट यू रूड वाई शुड यू रीड वाई शुडेंट यू रीट क्लियर अब एक मेरे साथ फिर से गेम खेलो मेरे साथ खेलो आप हमने कहा तुम्हें अंग्रेजी बोलना चाहिए जल्दी से तुम्हें अंग्रेजी बोलना चाहिए मेरे साथ बोलो छ बनाना छः पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव डब्ल्यू एच डब्ल्यू एच निगेटिव तुम्हें अंग्रेजी बोलना चाहिए यू शुड स्पीक इंग्लिश यू शुडंट स्पीक इंग्लिश शुड यू स्पीक इंग्लिश शुडंट यू स्पीक इंग्लिश वाई शुड यू स्पीक इंग्लिश वाई शुडंट यू स्पीक इंग्लिश खेल रहे मेरे साथ फिर से एक बार हमने कहा मुझे बाजार जाना पड़ेगा मुझे बाजार जाना पड़ेगा आई विल हैव टू

होम वाई सुड यू हैव गॉन होम वाई शुडंट यू हैव गॉन होम तो हमने क्या करा छे छे बना करके आपको दे रहा हूं मेरे बच्चे आपको एक सीरीज दे रहा हूं ये छोटे छोटे वीडियो देख करके आप बड़े बड़े सेंटेंस बोलिए आपकी अंग्रेजी लॉलीपॉप हो जाएगा आसान हो जाएगा ये पाँच दस मिनट वीडियो आपका अंग्रेजी को इम्प्रूव कर देगा मैं कहता हूं अगर डिटेल सीखना चाहते हो अंग्रेजी आप चाहते हो अंग्रेजी में क्रांतिकारी बनना क्रांतिकारी बनना चाहते हो अब दिल्ली दूर नहीं अब दिल्ली आ करके आप क्रांतिकारी बन सकते हो इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो आप घर बैठे ऑनलाइन क्लास ले सकते हो अपने मोबाइल पर अपने टी पर अपने लैपटॉप पर अब तो हमने स्पोकन क्लास भी ऑनलाइन शुरू कर दिया है अब स्पोकन क्लास में ले सकते हो आप ऑनलाइन लेकिन फाउंडेशन स्ट्रांग होने के बाद आप दोनों क्लास ले सकते हो जैसे मर्जी हो आप पढ़ सकते हो मैं धर्मेंद्र सर हमेशा आपके लिए लगा आप देखिए मस्त रहिए और सब तब से इस वीडियो को शेयर करिए एक सीरीज आपने पहले देखा होगा ए पार्ट 2 है उसका अब पार्ट 2 की बात करें स्पोकन करने के लिए स्ट्रक्चर होना बहुत जरूरी है और स्ट्रक्चर के लिए हमने क्या कहा था अब बहुत हो गया अब अंग्रेजी बोल करके के छोड़ेंगे बहुत हो चुका तो क्यों ना ऐसा क्या करें कि धीरे धीरे अंग्रेजी बोलना आ जाए और उस धीरे धीरे के लिए क्या करना है आपको कि मैं एक एक करके आपको जो दे रहा हूँ बस सीखते चलो और मेरे साथ तेज़ी के साथ प्रैक्टिस करते चलो अंग्रेजी बोलना आपके लिए आसान हो जाएगा आइए देखते हैं मेरे साथ यहां पे कर करके कर कि सब्जेक्ट प्लस और टू प्लस बी वन प्लस अदरब अब प्रश्न उठता है कि और टू के साथ अंग्रेजी कैसे बोले और टू के साथ कैसे बोलना अंग्रेजी तो हमने कहा कि और टू और शुड ध्यान दें मेरी बातों पर ध्यान देना अंग्रेजी आसान हो जाएगा टू और शुड में कोई अंतर नहीं है आप ऑटू लगाओ चाहे शुड लगाओ कोई अंतर नहीं है बस अंतर इतना सा है कि शुड का प्रयोग हम लोग कहीं भी कर देते हैं जैसे तुम्हें पढ़ना चाहिए यू शुड रीड तुम्हें वहाँ जाना चाहिए यू शुड गो देयर तुम्हें आना चाहिए यू शुड कम यर मुझे पढ़ना चाहिए आई शुड रूट तुम्हें खेलना चाहिए यू शुड प्ले तो जहाँ भी यू शुड प्ले यू शुड रीड यू शुड गो यू शुड है ना तो आप शुड का प्रयोग कर देते हो लेकिन इस ऑटू का प्रयोग हम कहाँ करें यह इंपॉर्टेंट है तो ऑटू का प्रयोग करना जब आप किसी को मोरल सलाह देते हो नैतिकता सलाह नैतिक, सला, नैतिक हमें अपने देश को प्यार करना चाहिए बोलो नैतिकता है कि नहीं कोई कंपलसरी है क्या क्या किसको सलाह दे रहे हो क्या नहीं ना माता पिता की सेवा करनी चाहिए गुरु का सम्मान करना चाहिए शिक्षक का सम्मान करना चाहिए माता पिता का पैर दबाना चाहिए माता पिता की बात माननी चाहिए शिक्षक की बात माननी चाहिए तो ये सब क्या है बेटा मोरल है देश को प्यार करना चाहिए क्या ये मोरल है तो जहाँ पर हम किसी की नैतिकता की बात करेंगे मोरलिटी की बात करेंगे तो वहां पे हम इसका प्रयोग करेंगे किसका ऑटू का ये ज्यादा अच्छा है अब शूट करूंगा तो तो करो ना शूट करो कोई बात नहीं ऑटू करो कोई बात नहीं लेकिन ज्यादा अच्छा कौन होगा तो ज्यादा अच्छा होगा ऑटू का प्रयोग करना आप शूट का प्रयोग करने से बचे किस हाल में जब किसी की बात हम करें मोरल की बात करें तुम्हें पढ़ना चाहिए यू शुड रीड यू ऑट टू रीड भी हो सकता है लेकिन ज्यादा अच्छा होगा यू लेकिन नैतिकता की बात करें तुम्हें माता पिता की बात माननी चाहिए यू ऑट टू ओवे योर पेरेंट्स तुम्हें अपने माता पिता की बात माननी चाहिए यू ऑट टू ओवे योर पेरेंट्स तुम्हें अपने माता पिता की बात माननी चाहिए हमें अगर तुम्हें अपने शिक्षक का सम्मान करना चाहिए तुम्हें अपने शिक्षक का सम्मान करना चाहिए यू ऑट टू देख लो यू ऑट टू रिस्पेक्ट सम्मान रिस्पेक्ट योर टीचर यू आर टू रिस्पेक्ट योर टीचर यू आर टू ओवे योर पेरेंट्स यू आर टू ओवे योर टीचर तो जितना मन करे ना उतना से बोलो तुम्हें अपने शिक्षक का सम्मान करना चाहिए यू आउट टू ओवे योर टीचर तुम्हें माता पिता की बात माननी चाहिए यू आउट टू ओवे योर पेरेंट्स यू आर टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स यू आर टू रिस्पेक्ट योर टीचर अब एक बात बताओ यहाँ पर अगर मैं जोड़ दूँ कि तुम्हें माता पिता की बात माननी चाहिए थी तुम्हें अपने शिक्षक का सम्मान करना चाहिए था था जोड़ दिया और थी जोड़ दिया था जोड़ दिया अब प्रश्न उठता है कि कुछ नहीं करना सब कुछ सेम रहेगा यहां पे और टू के साथ हम हैव जोड़ दें यू आउट टू हैव अब यहां पे वी वन नहीं होगा इस वी वन को वी थ्री कर दें राइट right? तो क्या बन गया यू आउट टू हैव वी थ्री प्लस अदर वर्ड तो हिंदी निकल जाएगा चाहिए था मोरल एडवाइस तुम्हें अपने माता पिता की बात माननी चाहिए थी यू ऑट टू हैव ओवेड यू आर टू हैव ओवे में जोड़ दो ओवेड देखो कितना मजा आ रहा है यू ऑर टू हैव ओबेड योर पेरेंट्स बोलो ना बैठे कलम कॉपी निकालो पढ़ना शुरू कर दो यू ऑर टू हैव ओबेड योर पेरेंट्स यू ऑर्ट टू हैव रिस्पेक्टेड योर पेरेंट्स यू ऑर्ट टू हैव लव योर कंट्री यू ऑर्ट टू हैव गेटिंग माई पॉइंट तो हमने क्या कहा तुम्हें अपने शिक्षक का सम्मान करना चाहिए था यू ऑर्ट टू हैव रिस्पेक्टेड टीचर यू ऑट टू हैव रिस्पेक्टेड योर टीचर अब समझ मारा है कुछ नहीं किया प्रेजेंट को पास्ट कर दिया थी लगा दिया तो पास्ट का सेंस हो गया तुम्हें अपने शिक्षक का सम्मान करना चाहिए था यू ऑट टू हैव रिस्पेक्टेड टीचर तुम्हें अपने माता पिता माता पिता की बात माननी चाहिए थी यू ऑट टू हैव ओवेड योर पेरेंट्स ओवेड मतलब बात मानना यू ऑट टू हैव ओवेड योर पेरेंट्स यू ऑट टू हैव रिस्पेक्टेड योर टीचर बोलना बोलना आया नहीं आया अब हम लोग देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट देखो अब अगला क्या कह रहा है आखिर हमें बोला कि मुझे अब अवश्य जाना चाहिए अब शूड और मस्ट में अंतर क्या है और टू और मस्ट में अंतर क्या है मस्ट का प्रयोग क्या हर जगह कर सकते हैं हमने कहा मुझे पढ़ना चाहिए तो मुझे पढ़ना चाहिए आई शुड इट अगर मैं बोल दूं आई मस्ट इट तब क्या होगा तो आई मस्ट इट तो मस्ट का प्रयोग आप कर सकते हो लेकिन इसको आप थोड़ा सा जरूरी के अर्थ में कर दो जरूरी के अर्थ में पास में रहो तो जरूरी के अर्थ का मतलब क्या हो भाई तो जरूरी का अर्थ का मतलब हुआ कि जैसे जो चीज जरूरी के अर्थ में हो जैसे कोई चीज अर्जेंटली हो जैसे तुम्हें जरूर पढ़ना चाहिए तुम्हें पढ़ना चाहिए यू शुड इट तुम्हें जरूर पढ़ना चाहिए यू मस्ट इट पॉइंट तो मस्ट का मतलब होता है बच्चे कि जहां पे अर्जेंट सलाह जैसे किसी को तुम सलाह दे रहे हो यार तुम्हें वहां जाना चाहिए यू शुड गो देर यार तुम्हें वहां जरूर जाना चाहिए यू you... मस्ट गो देर अब यहां पे देखना ध्यान देना है कि मुझे अब अवश्य जाना चाहिए तो मुझे अब अवश्य अवश्य अगर नहीं भी दिया रहे सिंपल रहे मुझे अब जाना चाहिए और अवश्य उसमें छुपा हुआ है क्योंकि अगर अवश्य बोलने चाहे ना बोल चूंकि ऐसा थोड़े है कि हर अंग्रेजी में हम हिंदी बोलते हैं आपके अंदर का सेंस डेवलप करता है अगर आप अंदर से इनर सेंस डेवलप करके अगर आप बोल रहे हो कि मुझे जाना चाहिए मुझे जरूर जाना चाहिए तो जहाँ पर जाना चाहिए और जरूर जाना चाहिए तो जहां पे जरूर कार्य हो जाए ना तो वहां पे आप मस्ट का प्रयोग कर सकते हो तो मुझे अब अवश्य जाना चाहिए आई मस्ट गो नाउ आई मस्ट गो now तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि मुझे अब अवश्य होना चाहिए आई मस्ट गो नाव हमने कहा तुम्हें अवश्य अंग्रेजी बोलना चाहिए तुम्हें अवश्य अंग्रेजी बोलना चाहिए अगर अवश्य नहीं भी हो और आपका सेंस जरूरी का अर्थ है तो आप मस्ट लगा सकते हैं तो यू मस्ट स्पीक इंग्लिश यू मस्ट स्पीक इंग्लिश यू मस्ट स्पीक इंग्लिश का प्रयोग आप कर सकते हो हमें तुरंत निकलना चाहिए यहाँ पर हमने अवश्य नहीं लिखा अवश्य चाहें तो लिख सकते हैं लेकिन नहीं लिखा हमें अवश्य तुरंत निकलना चाहिए हमने बोला वी मस्ट लिव इमीडिएटली वी मस्ट लिव इमीडिएटली हमें उनकी मदद अवश्य करनी चाहिए हमें उनकी मदद करनी चाहिए अवश्य नहीं हो तो भी चलेगा लेकिन अवश्य मस्त छुपा होना चाहिए तो हमने कहा वी मस्ट हेल्प देम अब एक बात बताओ अगर मैं यहाँ पे अवश्य जाना चाहिए के साथ सबके साथ था जोड़ दू थी जोड़ दूँ मुझे अब अवश्य जाना चाहिए था तुम्हें अवश्य अंग्रेजी बोलना चाहिए था हमें तुरंत निकलना चाहिए था हमें उनके पास मदद करनी चाहिए थी अब सब में हमने था थे थी जोड़ दिया अब यहां इसका मतलब क्या होगा तो आप खुद बताओ कि ये सेंस पास्ट का सेंस हुआ कि नहीं हुआ अबस नहीं हो मुझे अब जाना चाहिए था मुझे जाना चाहिए था अब को हटा दो अब क्योंकि प्रेजेंट को शो करता है तो मुझे अबस जाना चाहिए था तुम्हें अबस मुझे बोलना चाहिए था हमें तुरंत निकलना चाहिए था हमें उनकी मदद करनी चाहिए थी अब बताओ यहाँ पे नाव हटा दो तो अब हमने कहा अब स्ट्रक्चर कैसे फ्रेम होगा तो जब भी मॉडल्स का कुछ सी दुनिया का कोई मॉडल्स हो मैं एक की बात नहीं कर रहा हूं दुनिया का कोई मॉडल्स हो अगर आपको अंग्रेजी बोलना है तो उस मॉडल्स के साथ हमेशा भीवन लगाना लेकिन अगर पास्ट की बात करें तो मॉडल्स प्लस हैव मॉडल्स प्लस हैव प्लस भीती लगाना ध्यान रखना मॉडल्स के साथ ऑलवेज भी वन का प्रयोग होता है ऑलवेज वन विल गो शुड गो यू गो है ना जब बोल बोला will go, तुम जाओगे, should go, जाना चाहिए मस्ट गो जाना चाहिए है ना कैन गो जा सकते हो मे गो जा सकते हो तो आप कुड गो माइट गो सेट गो कुछ भी कर सकते हो कुट गो शुड गो कुड गो माइट आई पॉइंट और यहीं पर अगर मैं कर दू मॉडल्स प्लस हैव प्लस बिथरी तो ये मॉडल हैव जो है ना ये भीवन का काम कर रहा है मॉडल्स की एक मजबूरी है ऑलवेज अपने साथ वर्ब का पहला फॉर्म भीवन लेता है ये ऑलवेज दिमाग में याद रखना तो सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स प्लस हैव प्लस बिथरी जस्ट शुड हैव गॉन मस्ट हैव गॉन शैल हैव गॉन कैन हैव गॉन वैव गॉन कुड हैव गॉन समझ पा रहे सब लोग तो इस तरह से आपको पढ़ना है बोलना है तब ना अंग्रेजी आसान होगा रखता नहीं मारना है कॉन्सेप्ट काम करना है तो हमने कहा मुझे अवश्य था आई मस्ट यहां पे जोड़ देंगे हम स्ट्रक्चर में हैव और इस वी वन को कर देंगे वी थ्री तो पता है क्या होता है इससे तुम्हारा एक सेंस और निकलता है किसका पॉसिबिलिटी का संभावना का चुपके से सीख लो ये संभावना को सेंस करेगा जैसे वह अवश्य चला गया होगा यार वह अवश्य चला गया हो गा। ही मस्ट हैव गॉन यार ही मस्ट हैव गॉन वह अवश्य चला गया होगा सीख पा रहे हो तो इसका बहुत यूज ना है आपको एक एक कर सिखा रहा हूं ना सीरीज आप चाहते हो अंग्रेजी बढ़िया सीखना दिल्ली आ जाओ ना दिल्ली दूर नहीं आप अब क्रांतिकारी छेड़ दिया पूरे देश में क्रांति फैल रहा है दिल्ली आके पढ़ो बिल्कुल फेस टू फेस तब सीखोगे मुझे अवश्य जाना चाहिए था आई मस्ट हैव 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 आई आई मस्ट मस्ट गॉन मुझे अवश्य जा आप अंग्रेजी सीखना चाहते हो ना रट्टो मत एक एक चीज दे रहा हूं स्ट्रक्चर दे रहा हूं जड़ दे रहा हूं हजार संडे से बोलो मुझे अवश्य जाना चाहिए था आई तो मस्ट हैव गॉन तुम्हें अवश्य अंग्रेजी बोलना चाहिए था यू मस्ट हैव स्पीक का क्या हो जाए बेटा स्पोकन इंग्लिश यू मस्ट हैव है इंग्लिश और अंग्रेजी आपको यू मस्ट है स्पोकन इंग्लिश तुम्हें अवश्य अंग्रेजी बोलना चाहिए था है ना तुम्हें तो हमें तुरंत निकलना चाहिए था वी मस्ट लिव इमीडिएटली तो वी मस्ट हैव का क्या हो जाए बेटा

गॉन फिर से मुझे अवश्य जाना चाहिए था आई मस्ट हैव गॉन तुम्हें अवश्य बोलना चाहिए था यू मस्ट हैव स्पोकन इंग्लिश हमें तुरंत निकलना चाहिए था वी मस्ट हैव लेफ्ट इमीडिएटली हमें उनकी मदद अवश्य करनी चाहिए थी वी मस्ट हैव हेल्प देम, इस तरह से आपका अंग्रेजी बहुत आसान हो जाएगा बस एक बार मेरे साथ चलने की है। मैं धीरे धीरे आपको स्ट्रक्चर दे रहा हूं और धीरे धीरे पाने का प्रयास कर रहा हूं अब दिल्ली दूर नहीं है मेरे बच्चे बस बढ़िया से कलम को उठाओ धीरे धीरे सारे स्ट्रक्चर दूंगा अब देखो हमने मस्त से एक और बनाया स्ट्रक्चर किस सब्जेक्ट लिया मस्ट भी लिया भी फोर लिया हालांकि मस्ट भी के साथ चाहो तो आप नाउन का प्रयोग भी कर सकते हो एक एक्स्ट्रा रूल हो जाएगा तो हमने फिलहाल वी फोर लिया है आपको समझाने के लिए यहाँ पे करना क्या है मैं चाह रहा हूँ आपको विद्वान बना देना लेकिन आप चाहोगे तब ना मैं चाह रहा हूँ आपको सिखा देना लेकिन आप चाहोगे तब ना तो आपको भी तो चाहना पड़ेगा हम यहाँ चिल्ला रहे हैं और आप हम मुस्कुरा रहे हो आपको मुस्कुरा नहीं है कॉपी कलम निकाल के लिखना है तब ना अंग्रेजी आएगा दोनों मिलके मैं चाहूं आप चाहें क्रांति फैल जाएगा आप इसको पूरे भारत में हर बच्चों के साथ शेयर करो ना तब ने पूरा भारत महान बनेगा आप बोरा वह अवश्य अंग्रेजी बोल रहा होगा सब्जेक्ट प्लस मस्ट बी प्लस भी फोर मस्ट बी बी मतलब भीवन हो गया ये भीवन है कंपोजिशन मस्ट एक मॉडल्स है इसके साथ भीवन आता ही आता है तो बी हो गया भीवन। इसके साथ नाउन भी लगा सकते हो भी भी लगा सकते हो जैसे मैंने कहा ही मस्ट बी ए डॉक्टर ही मस्ट बी ए नर्स ही मस्ट बी ए स्टूडेंट वर्क नहीं हुआ ही मस्ट बी अ स्टूडेंट यू मस्ट बी अ स्टूडेंट यू मस्ट बी अ डॉक्टर ही मस्ट बी एन इंजीनियर ही मस्ट बी अ टीचर ही मस्ट बी अ स्टूडेंट ही मस्ट बी अ सी मस्ट बी अ गर्ल सी मस्ट बी अ नर्स सी मस्ट बी अ टीचर सी मस्ट बी अ कुछ भी वट एवर कम्स योर माइंड अब यहाँ पे हमने लिया क्या है बी फोर सब्जेक्ट प्लस मस्ट बी फोर वह अवश्य अंग्रेजी बोल रहा होगा ही मस्ट बी स्पीकिंग इंग्लिश कंटिन्यूअस की बात कर रहा है ये रहा रही का सेंस दे रहा है वह अवश्य अंग्रेजी बोल रहा होगा ही मस्ट बी स्पीकिंग इंग्लिश वह अवश्य झूठ बोल रहा होगा ही मस्ट बी टेलिंग ए लाई वह अवश्य खेल रहा होगा ही मस्ट बी प्लेइंग एक बार मेरे साथ बोलो फटाफट जल्दी से हमने कहा वह अवश्य अंग्रेजी बोल रहा होगा ही मस्ट बी स्पीकिंग इंग्लिश वह अवश्य झूठ बोल रहा होगा ही मस्ट बी टेलिंग अल आई वह अवश्य खेल रहा होगा ही मस्ट बी अब बताओ कि ऐसे अगर बोलोगे बोलना नहीं आया क्या आप कमेंट करते ही नहीं हो आप कमेंट करो करो और मुझे मुझे पता चले लाइक से कि आप कितने पसंद करो मुझे। तो जितना ज्यादा हो सकता है आप देखो अब दिल्ली दूर नहीं है एक बार जम के लगना मेरे दोस्त और जम के लगो क्रांति फैल जाएगा मैं सिखा के छोड़ूंगा बहुत हो गया अंग्रेजी अब बुलवा के छोड़ूंगा बहुत हो गया Hey, मेरे प्यारे दोस्त प्यारे बच्चे मैं सबसे पहले चीज आपको सिखा रहा हूं स्पोकन करने के तरीके और आप कैसे अंग्रेजी जल्दी से बोल पाए मेरे साथ मिलकर के आपको बोलना है रुकना नहीं अब बहुत हो गया अब शुरू करना है अब धीरे-धीरे लग जाओ मेरे साथ एक-एक वर्ड को ले लो हजार सन्देश बोलो अब बोलना बहुत आसान हो गया मेरे बच्चे तो अब आप मिलकर के मेरे दोस्त शुरू हो जाइए और देखते हैं यहां पे स्पोकन के लिए एक बेहतर टेक्निक क्या हो सकता है हमने कहा था भाई रीडिंग करो राइटिंग करो न्यूज़ सुनो वो सब चलेगा लेकिन प्रैक्टिस जब तक नहीं करवाऊंगा तब तक बोलना नहीं आगा मेरे साथ शुरू हो जाओ हमने एक वर्ड लिया लाइक like. हमने बोले लिखा सब्जेक्ट एस का मतलब सब्जेक्ट लाइक लाइक्स वी फोर ऑब्जेक्ट या तो वी फोर आएगा वी फोर का मतलब होता है आई एन जी फॉर्म इसे आप आई भी कह सकते हो V4 फोर जहां भी लगा होता है उस V4 का मतलब क्या हो बच्चे आई हो गया तो V4 फोर आई ऑब्जेक्ट या नाउन का प्रयोग कर सकते हो इसके साथ ये ध्यान रखना है इस लाइक like का मतलब हो गया है अच्छा लगना मान लो को बोलना है कि अच्छा लगता है अच्छा लगता है मान लो को बोलना हो कि अच्छा लगता है है ना मुझे तुमसे बात करना अच्छा लगता है मुझे गाना सुनना अच्छा लगता है मुझे ट्रैवलिंग करना अच्छा लगता है तुम्हें खेलना अच्छा लगता है मुझे खेलना पसंद है उसे गाना पसंद है उसे नाचना पसंद है उसे नाचना अच्छा लगता है उसे गाना तो जहाँ भी अच्छा लगता है वहाँ पे आप लाइक और लाइक्स के प्रयोग करके आप लाइक और लाइक्स के बाद आपको लगाना क्या है आपको लगाना वर्व का फोर्थ फॉर्म आई फॉर्म या अगर वी फोर ना वर्व हो तो आई एन जी आएगा ध्यान इसके साथ भी वन नहीं आएगा लाइक या लाइक्स के बाद हमेशा आई फॉर्म आएगा अगर वर्व आएगा तो अगर वर्व नहीं है तो नाउन आएगा जैसे मैं कि मुझे म्यूजिक पसंद है आई लाइक म्यूजिक मुझे खेलना पसंद है तो आई लाइक प्लेइंग आई लाइक प्लेइंग तुम्हें खेलना पसंद है यू लाइक प्लेइंग तुम्हें डांस पसंद है यू लाइक डांस डांस करना पसंद है यू लाइक डांसिंग क्लियर तो इस तरह से लोग बोलेंगे तो मुझे तुमसे बात करना अच्छा लगता है यानी मुझे तुमसे बात करना पसंद है तो बात करना अच्छा लगता है या बात करना पसंद है तो हम बोले आई लाइक टॉकिंग टू यू तो आई लाइक टॉकिंग टू यू है ना तो मुझे तुमसे बात करना तो बात करना क्या हो गया वर्ब हो गया तो वर्ब है तो यहां पे आ जाएगा आई एन जी तो आई लाइक like, अच्छा लगता है मुझे अच्छा लगता है तो आई लाइक टॉकिंग टू यू तो आई लाइक टॉकिंग टू यू देख रहे हो तो मैं आपको रटवा नहीं रहा हूं एक स्ट्रक्चर दूंगा आप बहुत सारे चैनल देखते होंगे वहां लोग रटवाते हैं सेंटेंस बोल दिया रट्टा मार लो मैं कहता हूं कि आप हजार सेंटेंस खुद से बनाओ जब एक सेंटेंस दे दिया हजार स्ट्रक्चर दे दिया तो उससे निकाल नहीं होगा एक स्ट्रक्चर से हजार सेंटेंस बनाइए तब जाके बेहतर काम होगा हमने बोला लाइक लाइक्स बीफोर या ऑब्जेक्ट कोई एक लगाना पड़ेगा तो आई लाइक टॉकिंग टू यू उसे किताबें पढ़ना अच्छा लगता है तो उसे किताबें पढ़ना ही लाइक्स रीडिंग अ बुक तो ही राय लाइक्स रीडिंग बुक्स बुक्स है तो आर्टिकल नहीं लगाएंगे तो ही लाइक्स रीडिंग बुक्स ही लाइक्स रीडिंग ए बुक भी कह सकते हैं एक किताब किताब पढ़ना, लगता तो पढ़ना तो books, कि अच्छा लगता है तो रीडिंग अ बुक किताबें पढ़ना तो रीडिंग बुक्स क्लियर अगर मैं बोलूँ कि उसे किताबें अच्छी लगती है उसे किताबें अच्छा लगता है तो ही लाइक्स बुक्स रीडिंग नहीं है तो बुक्स आ जाएगा या देखो मुझे दोस्त बनाना अच्छा लगता है मुझे दोस्त बनाना अच्छा लगता है आई लाइक मेकिंग फ्रेंड्स आई लाइक मेकिंग तो मेकिंग हो गया वर्ब तो आई लाइक मेकिंग फ्रेंड्स क्लियर यहां हमने कहा तुम्हें सफर करना अच्छा लगता है तुम्हें सफर करना अच्छा लगता है यू लाइक ट्रैवलिंग इससे पता है क्या होगा आपके टोन्ड हो जाएंगे माउथ बोलना शुरू कर दोगे आपका अंग्रेजी स्पोकन आसान हो जाएगा बस दिन में बोलना है आई लाइक ट्रैवलिंग यू लाइक ट्रैवलिंग ही लाइक्स ट्रैवलिंग है ना तो आई लाइक ट्रैवलिंग यू लाइक ट्रैवलिंग ही लाइक्स ट्रैवलिंग सी लाइक्स ट्रैवलिंग तो इससे अंग्रेजी क्या हो जाए आसान हो जाएगा है ना उसे गलतियां करना चाहता है ही लाइक्स मेकिंग अ मिस्टेक ही लाइक्स मेकिंग मिस्टेक अब यहां मुझे है ना तुम उसे कर दो उन्हें कर दो तुम्हें कर दो मुझे कर दो तो जो मन बोल सकते हो उसे गलतियां करना चाहता है ही लाइक्स मेकिंग मिस्टेक आई लाइक मेकिंग मिस्टेक यू लाइक मेकिंग मिस्टेक ही सी लाइक्स मेकिंग मिस्टेक राधा लाइक्स मेकिंग मिस्टेक्स देख लो आप जब तो like 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 आप बोलोगे तो एक, बोलो एक मजे की बात बताऊ आपको एक देखो कितना मजा आएगा हमने एक स्ट्रक्चर दिया अब इसके माध्यम से आप दो चार और बना सकते हो कैसे अब हमने लाइक like और लाइक्स को हटा दिया क्लियर हमने यहां पर जोड़ दिया लव और लव्स लव और लफ्स जोड़ दिया आप स्ट्रक्चर खुद से फ्रेम कर सकते हो हमने जोड़ दिया लव और लव्स अब पता है क्या होगा अच्छा न जोड़ दो बहुत बहुत अच्छा लगता है बहुत अच्छा लगता है हमने जोड़ दिया बहुत लगता है अब सब में सब सेम रहेगा बस देखो गौर से हमने कर दिया मुझे तुमसे बात करना बहुत अच्छा लगता है यार मुझे तुमसे बात करना ना बहुत अच्छा लगता है मेरी रिल बता रहा हूं मुझे तुमसे बात करना बहुत अच्छा लगता है तो आई लव आई लव टॉकिंग टू यू आई लव टॉकिंग वो कितना मजेदार अंग्रेजी हो गया बस एक बार लगने की देर है बच्चे अंग्रेजी से खेलना आ जाएगा हमने बोला आई लव टॉकिंग टू यू हमने बोला उसे किताबें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है उसे किताबें पढ़ना बहुत हमने क्या जोड़ दिया बहुत अच्छा लगता है बोला ही लाइक्स लाइक्स तो क्या कर दिया लव्स ही लव्स रीडिंग बुक्स रीडिंग बुक्स रीडिंग बुक्स मुझे दोस्त बनाना बहुत अच्छा लगता है मुझे दोस्त बनाना बहुत अच्छा लगता है तो क्या करें यहां पे आई लव मेकिंग फ्रेंड्स आई लव मेकिंग फ्रेंड्स तुम्हें सफर करना बहुत अच्छा लगता है यू लव देख लो हमने दोबारा कुछ आपको बस सिखा दे रहा हूं यू लव ट्रैवलिंग इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म है इतना बढ़िया चीज दे रहा हूं एक बार सीख जाओ है ना तुम्हें सफर कर सकता है यू लव ट्रैवलिंग उसे गलतियां करना बहुत अच्छा लगता है है ना ही लाइक्सू क्या कर दो he loves making a mistake he loves making a mistake bol mere sath rabat mujhe tumse baat karna bahut sakta hai i love talking to you dusra bolo use kitabe padhna bahut sakta hai he loves reading books he loves reading books i love reading books you love reading books hai na मुझे दोस्त बना बोल सकता है I love making friends. तुम्हें सफर करना बोल सकता है बोलो बराबर You love ट्रैवलिंग उसे गलतियां करना बहुत सकता है तो he लवस मेकिंग अस्टेक और देखते हैं इसमें तो सेकंड क्या कहता है सब्जेक्ट प्लस नो नोज अदरवर्ड अब पता है इसका मतलब क्या होगा कि नो नोज का हिंदी लिखना जानना राइट right? जैसे किसी चीज को आप जानते हो तो फटाफट मेरे साथ बोलो ना अंग्रेजी क्योंकि बोलना आसान कब होगा जब आप बोलना शुरू करेंगे सिर्फ आप देखेंगे तो काम ही चलेगा मेरे साथ इन्वॉल्व रहिए आप कॉपी कलम उठाए रखिए जब लिखता हूं तो आप लिखो और जब मैं बोलता हूं तो मेरे साथ बोलो तब ना अंग्रेजी आसान हो जाएगा और इसके साथ साथ ना आप दो चार लड़के मिल जाओ ग्रुप के साथ आपस आप में बोलो एक संज तुम एक वो ऐसे बोलने आपको अंग्रेजी आ जाएगा हमने कहा वह सब कुछ जानता है तो जान तक हो अब क्ट ही अब नो और नोज ये जो नो है ना इसे कहते 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 हैं। क्या कहते हैं। क्या बच्चे? और जो नोज है ना इसे कहते है। यदि तुम्हारा होगा, तो तुम लगाना और यदि तुम्हारा होगा, तो लगाना ये पहले वाले वीडियो भी लागू होगा बच्चे ध्यान देना तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वी फाइव वी फाइव का मतलब होता है एस यास और मतलब ना गो या गोज तो गो हो गया v1 इसको कहते हैं प्लूरल ये v1 कहलाता है प्लूरल और वी फाइव कलाता है सिंगुलर ठीक है बच्चे तो वह सब कुछ जानता है तो वह क्या है सिंगुलर है तो वह के साथ क्या लगाएंगे नोज तो ही नोज एवरीथिंग ही knows एवरीथिंग वह सब कुछ जानता है ही knows एवरीथिंग मैं सब कुछ जानता हूं आई नो एवरीथिंग तू सब कुछ जानता है यू नो एवरीथिंग वह सब कुछ जानता है ही knows एवरीथिंग वह सब कुछ जानती है ही नोस एवरीथिंग इस तरह से आप करोगे ना तो अंग्रेजी आसान लगेगा मैं तुम्हारी हालत जानता हूं मैं तुम्हारी किसी को बोलना है ना कि मैं तुम्हारी हालत जानता हूं आई नो योर सिचुएशन आई नो योर सिचुएशन है ना वह तुम्हारी यहाँ जानता है ही नोज योर सिचुएशन लता तुम्हारी जानती है लता नोस योर सिचुएशन राम तुम्हारी हालत जानता है राम नोज योर सिचुएशन तो जितना भी सेंटेंस हो सब्जेक्ट चेंज करो स्ट्रक्चर यही होना है इसके माध्यम से अंग्रेजी आपका आसान हो जाएगा अगला कहता है वह तुम्हारा इतिहास जानता है ही नोज हिस्ट्री मैं तुम्हारा इतिहास जानता हूं आई नो योर हिस्ट्री वह तुम्हारा इतिहास जानता है ही नोज योर हिस्ट्री है ना श्याम तुम्हारा इतिहास जानता है श्याम नोज योर हिस्ट्री रहीम योर इतिहास जानता है रहीम नोज योर हिस्ट्री है ना तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जितना स्ट्रक्चर हो आप उसको याद करो या देखो मैं तुम्हारे दाव पे जानता हूं आई नो योर ऑल ट्रिक्स आई नो योर ऑल ट्रिक्स अब मेरे साथ फटाफट बोलो वह सब कुछ जानता है ही एवरीथिंग मैं तुम्हारे यहाँ जानता हूँ आई नो योर सिचुएशन वह तुम्हारी जहाँ जानता है ही नोज योर हिस्ट्री मैं तुम्हारे सारे दौर पे जानता हूँ आई नो योर ऑल ट्रिक्स अब आप थर्ड देखिए फटाफट यहाँ थर्ड क्या कहता है सब्जेक्ट प्लस नो नोस प्लस अदर वर्ड अब यहाँ कहना यह बेटा कि वहाँ पे था जानना यहाँ हो जाएगा पहचानना पहचानना यानी आप किसी को पहचानते हो जैसे मैं तुम्हें पहचानता हूँ तुम मुझे पहचानते हो मैं उसको पहचानता हूँ मैं तुम्हारे दाजी को पहचानता हूँ वह तुम्हारे पिता जी को पहचानता है वह तुम्हारे दोस्त को जानता है तो जानना और पहचानना तो जानना भी नो और पहचानना भी नो मैं एक्चुअली आपको जीरो से उठा रहा हूँ मैं ये मान के चल रहा हूं ना कि आपको बिल्कुल जड़ से उठा रहा हूँ ऊपर तो धीरे धीरे सीखो हमने बोला मैं तुम्हारे दादाजी को पहचानता हूँ आई नो योर ग्रैंड फादर आई नो योर ग्रैंड फादर मैं तुम्हारे दादाजी को पहचानता हूँ आई नो योर ग्रैंड फादर मैं तुम्हारे पापा जी को पहचानता हूँ आई नो योर फादर है ना मैं दोस्त को जानता हूं आई नो योर फ्रेंड आई नो योर ब्रदर आई नो योर सिस्टर आई तो कुछ भी वट एवर आई नो को ही कर सकते हो ही नोज योर ग्रैंड फादर शी नोज योर ग्रैंड फादर शी नोज योर फादर ही नो इज योर फादर तो समझ में आ रहा बात को तो आपको स्ट्रक्चर खुद से फ्रेम करना है एक चलीजा मैंने बोलते हैं ना आई नो यू नो आई नो यू नो ही नोस ही नोस और है ना, you know, you know, ना आगे जोड़ दो योर ग्रैंडफादर योर फादर योर फ्रेंड योर सिस्टर योर ब्रदर इस तरह से आपका अंग्रेजी काफी आसान हो जाएगा अगला कहता है मैं इस व्यक्ति को पहचानता हूं आई नो दिस मैन आई नो दिस जेंटल आई नो दिस गर्ल आई नो दिस बॉय तो व्हाट एवर कम्स योर माइंड यू आर एबल टू स्पीक जस्ट यू आर मेकिंग दिस टाइप ऑफ सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ नो और नोस यू स्पीक एनी का राइट अगला कर रहा है मैं इस व्यक्ति को जानता हूं आई नो दिस मैन मैं अच्छी पहचानता हूं वेरी वेल क्लियर तो आप मेरे साथ दोहराइए आई नो दिस पीपल ही नोज दिस पीपल यू नो दिस क्लियर अगला कर रहा है वह इन लोगों को पहचानता है He knows these people. Clear? लता तुम्हें पहचानती है लता यू सीता यू प्रिया यू सुप्रिया यू महिमा यू राम यू श्याम यू तो जितना मन करे सेंटेंस को आप बोलो आई नो यू क्लियर तो पहचानने के सेंस में भी नो नोज का प्रयोग करते हैं जानने के सेंस में भी नो नोज का प्रयोग करते हैं बेहतर होगा मैं तो आपसे बात कर रहा हूं मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ दिल्ली दूर है क्या अब दिल्ली दूर नहीं है आप दिल्ली आ करके ना आप क्लास कर सकते हो चाहे फाउंडेशन क्लास हो चाहे स्पोकन क्लास हो जो भी आप चाहते हो भारत में कहीं भी आप हो दुनिया किसी भी कोने में रह रहे हो अब दिल्ली दूर नहीं है दिल्ली आकर के आसानी के साथ अंग्रेजी बोल सकते हो लिख सकते हो इसके साथ साथ आप चाहो तो घर बैठ कर भी आप मजबूरी में फंसे हैं घर से नहीं आ सकते हाउस वाइफ हैं हाउस मेकर हैं होम मेकर हैं घर बैठे हुए हैं नौकरी कर रहे हैं जॉब है आप छोड़ नहीं आ सकते तो वहीं जहाँ आप हैं ना आप मोबाइल फ़ोन है ना लैपटॉप है ना तो घर बैठ के भी अपने जॉब करते हुए भी आप मेरा क्लास ऑनलाइन वीडियो आप कर सकते हो घर बैठ के स्पोकन भी फाउंडेशन भी जो क्लास आप चाहो क्लास ले सकते हो बस एक बार आप वेबसाइट पर चले जाइए वहाँ से हो जाएगा इसके साथ साथ टेस्ट भी आप दे सकते हो चलिए बच्चे इस वीडियो को पूरे भारत में क्रांति की तरफ फैलाइए हर बच्चा को बोलना आना चाहिए और हर बच्चे को इसकी अधिकार है थैंक यू वेरी मच